पद्मिनी एकादशी हमेशा अधिक मास में आती है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या मलमासी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जा रहा है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की उपासना की जाएगी। भगवान विष्णु को समर्पित अधिक मास में इस व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन मास की दूसरी एकादशी पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जा रही है। वहीं एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगा और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी व्रत पूजा की जाएगी। पद्मिनी एकादशी पारण का समय 30 जुलाई रविवार को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है और सभी तरह के यज्ञों, व्रतों और तपचर्या का फल प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।